नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अरविंद के टैग और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में हमारे पास जो इन्वर्टर है कुछ स्पेशल है, कुछ इसमें अलग है। एक बहुत लंबे समय के बाद मार्केट में एक ऐसा इन्वर्टर आया है जिससे यूजर को लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी लगाने की आजादी मिलेगी। यानी इस इन्वर्टर पर आप लेड एसिड बैटरी, ट्यूबलर बैटरी, नॉन ट्यूबलर बैटरी, एसएमएफ बैटरी और लिथियम आयन बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो यह जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं यह स्वास्तिका कंपनी का 1050 वीए में साइन वेव इन्वर्टर है। अभी तक मार्केट में जितने भी इन्वर्टर थे उनको या तो लेड एसिड बैटरी पर यूज करते थे और या बहुत कम मात्रा में लिथियम आयन के अलग इन्वर्टर आते थे, लेकिन इस इन्वर्टर पर आप लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी, चाहे वह ट्यूबलर बैटरी है, नॉन ट्यूबलर बैटरी है, एसएमएफ बैटरी है, सभी का यूज कर सकते हैं। केवल एक स्विच आपको चेंज करना है, यानी कुछ सेटिंग यहां पर दी हुई हैं, इन सेटिंग को चेंज करके आप जोन सी भी बैटरी यूज करना चाहें उस बैटरी को यूज कर सकते हैं। इसके साथ बैटरी कनेक्ट करके इसकी चार्जिंग और इसकी लोड कैपेसिटी भी आपको दिखाएंगे। इसको ओपन करके अंदर की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम केवल जुबानी जमा खर्च नहीं करते, प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को पहले यूज करते हैं और उसके बाद ही आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि इन्वर्टर के बैक साइड में हम देख रहे हैं, यह जो स्टिकर दिया हुआ है इसका मॉडल नंबर फ्यूजन इको है। रेटेड 1050 वीए का यह इन्वर्टर है 12 वोल्ट डीसी में। इसके साथ में ही यह एक कैप यहां पर आप देख रहे हैं, इसी के नीचे माइक्रो स्विच है। इस कैप को किसी पेचकस से या हाथ से आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइक्रो स्विच हैं। जो 6 नंबर का यानी सबसे ऊपर वाला माइक्रो स्विच है, इसके एक तरफ यूपीएस और दूसरी तरफ विदाउट यूपीएस लिखा है, और पांचवें नंबर के स्विच के इस साइड में लिखा है ट्यूबलर बैटरी, एसएमएफ बैटरी, और इस साइड में लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी, जो इस इन्वर्टर का एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। यदि इस इन्वर्टर के साथ आप लिथियम आयन बैटरी या लिथियम फॉस्फेट बैटरी यूज करना चाहते हैं तो स्विच को इस साइड में रख सकते हैं, और यदि ट्यूबलर बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी यूज करना चाहते हैं तो स्विच को इस साइड में रखेंगे। बाकी सभी पार्ट जो बाकी इन्वर्टर में होते हैं, एक फैन है, 2 डीसी लीड है, एक मेन लीड है, और फ्यूज इसमें नहीं है। फ्यूज के लिए इसमें एमसीबी दी गई है। और दोस्तों, अब इसको बैटरी से कनेक्ट करके भी इसके जो फीचर है उनको प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं। उससे पहले एक मुख्य बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जैसे कि यह इन्वर्टर 1050 वीए में साइन वेव इन्वर्टर है, तो उसके हिसाब से इसकी जो डीसी की लीड दी हुई है यह आवश्यकता से बहुत कम गेज की है। यानी 1000 वीए साइन वेव इन्वर्टर के साथ कम से कम 14 से 16 एमएम बैटरी की लीड का गेज होना चाहिए था, और यहां पर हम केवल 6 एमएम इस डीसी लीड का गेज देख रहे हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी फीचर तो चेक करने के बाद पता चलेंगे। और जो बैटरी के साथ कनेक्ट होने वाले थिम्बल यानी कनेक्टर यहां पर दिए हुए हैं, यह भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे नहीं है। दोस्तों, इन्वर्टर को मीटर से कनेक्ट करते हुए बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। चार्जिंग के लिए स्विच को ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर में हम देख रहे हैं कि मेन की बत्ती आ गई है और चार्जिंग की बत्ती ब्लिंक होने लगी है। तो इस समय बैटरी के 13.17 वोल्ट हो रहे हैं और जो बैटरी को एम्पियर जा रहा है 14.8 एम्पियर से बैटरी को इस समय यह चार्ज कर रहा है। और यदि वाट की बात करें तो 194 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है, और ग्रिड से भी आपको दिखाएंगे कि कितने वाट की एनर्जी ग्रिड से यह ले रहा है, 278, यानी यह ग्रिड से 278 वाट ले रहा है और बैटरी को 194 वाट दे रहा है। तो इसका मतलब हम साफ देख रहे हैं कि चार्जिंग करते हुए यह इन्वर्टर 80-85 वाट की एनर्जी का लॉस कर रहा है, और इस समय पीछे से सेटिंग को हमने ट्यूबलर बैटरी पर कर रखा है तो लगभग 15 एम्पीयर के आसपास चल रहा है, और अब इसको स्विच को मैं लिथियम बैटरी की तरफ करता हूं तो मीटर में हम देख रहे हैं कि लगभग 12 एम्पीयर हो गए हैं। और अब इसकी लोड कैपेसिटी भी चेक करते हैं। दोस्तों, लोड देखने के लिए इस मीटर को मैंने इन्वर्टर के बैक साइड में कनेक्ट कर लिया है, यानी इन्वर्टर की आउटपुट अब इस मीटर में आएगी और इस मीटर से
वेरिएबल लोड को कनेक्ट कर लिया है। तो इन्वर्टर का स्विच ऑन कर देते हैं तो बिना कोई लोड चलाए हम देख रहे हैं कि इन्वर्टर की जो आउटपुट है 218 वोल्ट है और नो लोड पर बैटरी से 1.5 एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है, मीटर में यहां पर हम देख रहे हैं। और डिस्प्ले में यदि देख पा रहे होंगे 200 वाट का लोड इस समय चल रहा है और इन्वर्टर की आउटपुट 213 वोल्ट हो गई है, यानी 200 वाट लोड पर 7 वोल्ट की ड्रॉपिंग आई है। और बैटरी से यदि इस समय हम देख पा रहे हैं 20 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। अब लोड को बढ़ाकर 400 वाट करते हैं, मीटर में हम देख रहे हैं कि लोड 400 वाट हो गया है और आउटपुट वोल्ट 190 वोल्ट हो गई है, यानी 400 वाट लोड पर लगभग 30 वोल्ट की ड्रॉपिंग आई है जो कि ज्यादा है। और इतना वोल्ट ड्रॉप होने का जो मुझे यहां पर मेन कारण लग रहा है वह बैटरी की लीड का गेज कम होना है। अब लोड को बढ़ाकर इसकी मैक्सिमम लिमिट तक ले जाते हैं। और दोस्तों इन्वर्टर में ओवरलोड की बीप आ गई है और डिस्प्ले में यदि आप देख पा रहे होंगे तो 410 वाट का इस समय लोड चल रहा है, यानी यह 1050 VA का इन्वर्टर लगभग 400-450 वाट तक का लोड ही चला पा रहा है। और इस समय यदि आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं तो 170 वोल्ट रह गई हैं जो कि अच्छा नहीं है और इन्वर्टर ओवरलोड देकर बिल्कुल ऑफ हो चुका है। तो यह थी इस इन्वर्टर की बिल्कुल क्लियर स्थिति। अक्सर व्यूअर कमेंट करते रहते हैं कि क्या आप स्पॉन्सर वीडियो बनाते हैं, प्रमोशन वीडियो बनाते हैं, तो न ही कोई स्पॉन्सर वीडियो है न कोई प्रमोशन वीडियो है। जो इसमें अच्छाई थी वह भी आपको बताया है और जो कमियां हैं वह भी आपको बताया। और दोस्तों इसको ओपन करके इसके अंदर की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी आपको दिखा देते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह इसका ट्रांसफार्मर है और यह पीसीबी कार्ड है। पीसीबी कार्ड साइन वेव है, लेकिन यदि मोस्फिट में देख रहा हूं तो 2 मोस्फिट इधर है, 2 मोस्फिट इधर है, मुझे कम लगे हैं। यहां पर 3 मोस्फिट कम से कम होना चाहिए था, जैसा कि यह 1050 VA का इन्वर्टर है। अंदर की फिटिंग की क्वालिटी यदि देखूं तो सिस्टमेटिकल वायरिंग नहीं की गई है, जो कि थोड़ा देखने में भी अच्छी नहीं लग रही है। वायरिंग थोड़ा सिस्टमेटिकल होनी चाहिए थी। और इसका जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं 1050 VA साइन वेव के अनुसार ट्रांसफार्मर का साइज छोटा मुझे दिख रहा है। 4 नंबर कोर में है लेकिन 3 इंची ट्रांसफार्मर होना चाहिए था, यह 3 इंच से कम है। और जो एक बिल्कुल भी अच्छी बात जो मुझे नहीं लगी है, हम यहां पर देख रहे हैं कि यह एक फाइबर की शीट यहां पर फंसाई गई है, यानी ट्रांसफार्मर बनाते समय जैसे कोर की कमी लग गई हो और ट्रांसफार्मर को टाइट करने के लिए यह फाइबर की शीट यहां पर फंसा दी गई हो, जबकि इसमें 5 से 6 ई और आई और भी आ सकती थी। और दोस्तों इस इन्वर्टर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।